कैलाश पर्वत कहाँ पर है, कैलाश पर्वत कहाँ से लेकर कहाँ पर विराजमान है, कैलाश पर्वत का ऊंचाई कितना है, इस पर शंकर जी कब बैठे हुए थे और उसके आगे कौन सा पर्वत है। वीडियो के अंत तक सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। गाय जो कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत को कहाँ से यानी कि किस जगह से लेकर किस जगह तक वहाँ फैला हुआ है, कोई तो निश्चित सीमा नहीं होगा कि इसी देश में फैला हुआ है। जी हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उसी प्रकार कहा जाता है कैलाश पर्वत को कि कश्मीर से लेकर भूटान तक कैलाश पर्वत फैला हुआ है। लेकिन दुख की बात है यहाँ की कोई आज तक इस पर पहुंचा नहीं है। पहुंचने का बारे में सोचता है वह कुछ ही यानी कि कुछ दूर जाने के बाद वहाँ भूल जाता है किस प्रकार से जाए। आप कितने बार सोचे हुए हैं मेरे चार सेक्शन में जाए, अगर आप कैलाश पर्वत के आगे जाएंगे तो आपको कौन कौन सा पहाड़ों का पार करना होगा, उनके आगे बहुत अधिक खूबसूरत पहाड़ों हैं जिनका नाम क्या है। जी हाँ, डोलमाल, डोलमाल और देवी खिंड। देवी खिंड भी पहाड़ बहुत अजीब हैं, उनका हाइट है 5630 मीटर जिसको 18471 फुट होता है, जो कि उस कैलाश पर्वत से लेकर देवी खिंडा तक जाने में छोटे छोटे आपको मिलेगा कुटिया। गाइस, आपने कभी अनुमान लगाया हुआ है जो कैलाश पर्वत है उनका ऊंचाई कितना हुआ है, उनका नापने पर यानी कि हाइट नापने पर कितना हुआ है? उनका हाइट बहुत अधिक है जो कि लगभग दूसरे पहाड़ के कर्ण यानी कि तुलना में आता है, 6638 मीटर। अब कहेंगे इसके फीट में कितना बोलेंगे, जी हाँ 21778 फीट है जो कि कैलाश पर्वत का ऊंचाई है। आपको यह जानकर कैसा लगा? मैं चार सेक्शन गाय जो कहता है कि शिव शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है, लेकिन कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, यह बात करेक्ट। लेकिन जो कैलाश पर्वत है वह कहाँ यानी कि दूसरा नाम से क्या उसे आप कह सकते हैं? दूसरा नाम तो कोई भी होगा, आप कहेंगे पर्वत, कोई पर्वत कह देंगे, लेकिन आए उसे शिव पिरामिड यानी कि शिव पिरामिड भी अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो कैलाश पर्वत के बारे में बताएगा आपको। एक बार देखने का अगर इच्छा है तो गूगल अर्थ पर इसे सर्च कर सकते हैं। जो शादी का अर्थ होता है यानी कि उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है मैरिज, मैरिज जो शब्द आया वह कहाँ से आया होता, कब यानी किस समय से किस समय तक पूरा वायरल हो जाता है, आपके पास कितने समय है। मैरिज से मैरिज यानी मैरिज जो देश है वहां से आया हुआ था, जो कि 1255 से इसे बोलना प्रारंभ कर दिया गया था, जो कि 1300 में पूर्ण रूप से उसके पास फैल गया। और आप कब सुने हैं शादी का मैरिज यानी कि मैरिज शब्द, मेरे चार सेक्शन में। गाइस, जो बॉलीवुड का फिल्म होता है वह फिल्म सबसे बड़े आप किस फिल्म को देखे हुए हैं, आप चार सेक्शन में लिखे। सबसे बड़े बॉलीवुड का फिल्म कौन सा है जो कि सबसे लंबे समय तक यानी कि करीब 3 घंटे तक बनाया गया उस फिल्म को, जो कि 2 घंटा 55 मिनट बनाया गया है फिल्म को, उस फिल्म का क्या नाम है आप उस गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम जोकर, इसे गूगल पर सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो मिले या ना मिले लेकिन इसका जो थंबनेल होता है, गाइस कहता है कि देवों का देव महादेव यानी कि शंकर जी वह किस किस पर्वत पर बैठे हुए हैं। आप लोग हम लोगों ने बचपन से सुन रहे हैं या सुनाया जा रहा है कि कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? अगर आप उसे देखने का आपका इरादा होगा तो आप कहाँ पर जाके देखेंगे? मैं बता देता हूँ कि तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत है वहाँ स्थित है। अगर आपको टाइम मिले तो आप गूगल क्रोम, गूगल पर सर्च करते हैं यानी गूगल अर्थ पर सर्च कर सकते हैं। क्या आपने अनुमान कभी लगाए हुए हैं कि जो सूर्य होता है सन वह पृथ्वी से बड़ा है या छोटा है? आप कितने व्यक्तियों को आज तक पता ही नहीं है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, वह कहते हैं कि पृथ्वी से छोटा है इसलिए तो बहुत छोटे आकार का दिखता है एक बल्ब की तरह। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि आप जानकर चौंक जाएंगे कि पृथ्वी जितना बड़ा है सूर्य में अगर प्रवेश कराया जाए तो 13 लाख इतने प्रकार के हैं, 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर एडजस्ट कर देंगे यानी कि उसमें समा जाएंगे, इतने बड़े सूर्य। जापान में जो व्यक्ति रहते हैं वह कितने व्यक्ति 100 साल के उम्र को पार कर चुके हैं? आपके पास कितने व्यक्ति हैं लगभग कि वह 100 साल की उम्र पार करने के बाद आज भी जीवित है? मैं चार शब्द में लिख सकते हैं। जापान में बहुत अधिक सारे व्यक्ति 100 साल को पार कर चुके हैं, जैसे 50% जो जनसंख्या है वह 100 साल पढ़ने यानी क्रॉस करने के बाद ही व्यक्ति मरते हैं। आपके पास कितने हैं? आज हमारे अंदर यानी कि बेली, पेट के अंदर जो भी भोजन पचाने का रसायन होता है, कोई तो रसायन प्रक्रिया होता होगा जो भोजन हमारे पचाते हैं, लेकिन अगर उस रसायन को किसी कारणवश पेट से निकालकर उसे किस वस्तु पर रखेंगे कि वह पूर्ण रूप से जल का भस्म हो जाएगा, आप कहेंगे ऐसा असंभव है। लेकिन हाँ,
अगर उस रसायन को जो ब्लेट होता है उस ब्लेट पर रखते हैं तो ब्लेट गल जाएगा, जैसे कि तेजाब रख दिए उसी प्रकार से वह गल जाएगा, इतना मेरे हार्ट पावर का होता है रसायन अंदर पेट के अंदर। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ।